परिंदे ही रहेंगे, इस ख्याल पर, इस किताब पर इजहार ख्याल दुनिया के बहुत ही मोतबर मशहूर मारूफ शख्सियत आली जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी दो एक मिनट अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। उनका बोलना हम सब के लिए सनद है, मुस्तनद है, मोतबर है। आइए जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी माइक पर, परिंदे ही रहेंगे इस किताब पर दो एक मिनट वो बोलेंगे और यहीं से फिर मुशायरे का आगाज हो जाएगा। आपके सब्र का इम्तिहान मैं नहीं ले सकता। आइए माइक पर जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी। बिल्कुल बजाइए जोरदार तालियां, बखीली मत कीजिए। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल बख्ल, अल्लाह बखीलों से प्यार नहीं करता। राय बरेली की अजीम इल्मी अदबी और अकाबरीन उम्मत के सरजमीन में तशरीफ़ फरमा सदर आली वक़ार जस्टिस साहब, मोहतरम रईस भाई आज के मुशायरे के रूह रवां, बिरादर अज़ीज़ असद सिद्दीकी साहब, शोराए कराम, ख़वातीन व हज़रात, कहाँ वो बात, कहाँ ऐसे इज्जो शान के लोग, क्या कहने, वाह वाह, कहाँ वो बात, कहाँ ऐसे इज्जो शान के लोग, बड़े अजीम हैं ये मेरे खानदान के लोग। कहाँ वो बात, हसन भाई अब आ जाइए, दो मिनट को तशरीफ लाइए, क्योंकि मुझे पता नहीं कितनी देर में दो मिनट होते हैं, मैं दो चार मिनट हुक्म की तावील में तशरीफ, इजाजत है आप। कहाँ वो बात, कहाँ ऐसे इज्जो शान के लोग, बड़े अजीम हैं ये मेरे खानदान के लोग। और आपके मुशायरे की रूह, आपके शहर की जान, हम सब के सरपरस्त उस्तादुल असातिज़ा हज़रत हसन राय बरेली की नज़र करता हूँ ये शेर कि कहाँ वो बात, कहाँ ऐसे इज्जो शान के लोग, बड़े अजीम हैं ये मेरे खानदान के लोग। क्या कहने? और हम अपने अहद में जो कुछ भी हैं गनीमत हैं। क्या कहने? हम अपने अहद में जो कुछ भी हैं गनीमत हैं, तलाशिएगा कहाँ ऐसी आन बान के लोग। वाह वाह, बहुत अच्छे। हम अपने अहद, हम अपने अहद में जो कुछ भी हैं गनीमत हैं, तलाशिएगा कहाँ ऐसी आन बान के लोग। और ये अदबी और शेरी अफकार का स्टेज सफ़े सामईन में हर शख्स जो एक अंजुमन है उसकी नज़र करता हूँ ये शेर कि हम अपने अहद में जो कुछ भी हैं गनीमत हैं, तलाशिएगा कहाँ ऐसी आन बान के लोग, और वहीं वहीं बड़ी इंसानियत हुई महसूस, वहीं वहीं बड़ी इंसानियत हुई महसूस, जहाँ जहाँ भी मिले हैं मेरी ज़बान के लोग। क्या कहने, वाह वाह वाह, वहीं वहीं बड़ी इंसानियत हुई महसूस, जहाँ जहाँ भी मिले हैं मेरी ज़बान के लोग। वाह, ख़वातीन हज़रात, अगर आप अदब की तारीख उठा के देखेंगे तो आपको हज़ारों लोग ऐसे मिलेंगे जो बे इंतहा इल्मी सलाहियत रखते थे, लेकिन उनकी किस्मत में एक भी शेर कहना नहीं था। तस्वीर का दूसरा रुख ये है, हज़ारों लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी आला तालीम बहुत नहीं थी लेकिन वो बहुत अच्छा शेर कहते थे। इन मेरे दो जुमलों की तस्दीक इस बात से होती है कि शायरी अल्लाह ताला की उन नेमतों में से है कि वो जिसको मुंतखब कर लेता है उसे शेर कहने की सलाहियत देता है। कुरान करीम में आया वश्शुअरा यत्तबिहुमुल गावून, शायरों की बात ना माना करो, उनके माहौल में न रहा करो क्योंकि वो लग़ बकते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है, आकाए नामदार नूरे मुजस्सम तमाम आलमों के रहनुमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ शायरी किया करते थे तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा करते थे कि हसन इनको जवाब दो, और हज़रत हसन शायरी में उनको जवाब दिया करते थे।
आपको एक बात अर्ज करूं, हजरत हसन कौन है? ये उलमा तशरीफ फरमा है, ये हजरत हसन वो हैं कि जिनको मेरे आका ने अपना मिंबर अता किया था, खुद नीचे बैठे थे। हजरत हसन ने जब तकल्लुफ किया तो मेरे आका ने कहा, हसन मैंने तुम्हें अपना मिंबर इसलिए दिया है कि इस वक्त तुम नात पढ़ रहे हो। अब अंदाजा लगाइए कि नात पढ़ने वाले शायर की अजमतों का क्या ठिकाना हो सकता है। जनाबे हसन राय बरेलवी, जिनकी एक ताज़ा तरीन किताब है परिंदे ही रहेंगे, उसका रस्म इजरा इन बुजुर्गान अदब और मुझ खाकसार के हाथों से हुआ। मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ। दो तीन मिनट में उनके कुछ मुंतखब अशार जो इस किताब में मैंने देखे वो आपकी नजर करता हूँ। कौमी यकजहती हमारी शायरी की जान हुआ करती है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान कौमी यकजहती का एक ऐसा तर्जुमान है, ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई मिलकर इसकी अजमतों को आगे बढ़ाते हैं। जनाबे हसन राय बरेली कहते हैं, एक ही घर है हमारा, फिर ये झगड़े किस लिए? एक ही घर है हमारा, फिर ये झगड़े किस लिए? मिल के रहने के अलावा रास्ता कोई नहीं। जब दाद दे रहे तो हसन भाई को अच्छे से दाद दीजिएगा इस शेर। एक ही घर है हमारा, फिर ये झगड़े किस लिए? मिल के रहने के अलावा रास्ता कोई नहीं। और इनके एक शेर की बरकत यह है कि राय बरेली में आपने उस शख्स का इंतखाब किया जिसकी घुट्टी में मिलके रहने की तादाद, मिलके रहने का खून है। उसका नाम है राहुल गांधी, जिन्हें आपने लाखों वोटों से जिताया। मैं आपको सलाम करता हूं कि आपने मुल्क की मोहब्बत को वोट दिया, कौमी यकजहती को वोट दिया, हिंदुस्तानियत को वोट दिया, चराग जलाने वालों को वोट दिया, चराग बुझाने वालों को नहीं दिया। इस शेर के हवाले से हसन राय बरेलवी का यह शेर आपकी नजर किया। आदाब इत्तेहाद वतन परस्ती पर एक कदम आगे बढ़ता हूं। हसन भाई फरमाते हैं, अगर लड़ते रहे हो यूं ही तो कुछ भी ना बच पाएगा, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। वाह वाह। अगर लड़ते रहे यूं ही तो अगर लड़ते रहे यूं ही तो कुछ भी बच ना पाएगा, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आपको याद है 100 साल पुराना एक शेर, जहां से जनाबे हसन राय बरेलवी के इस शेर का रास्ता निकलता है कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। हसन राय बरेली की शायरी का ताल्लुक शायर मशरिक मुफक्किर मिल्लत इकबाल से है। इसी हवाले से मैंने इकबाल के शेर से हसन भाई के शेर के हवाले से आपसे बात की। अच्छी खासी उम्र हो गई लेकिन हसन राय बरेलवी का दिल अभी भी जवान है, और क्यों ना हो कि उम्र जितनी बढ़ती है दिल जवान होता है। राज ये हसी गजलें इन सफेद बालों में, ये हैं जनाबे हसन राय बरेलवी। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रख के फरमाते हैं, डूब जाने दो हमें झील सी इन आंखों में, डूब जाने दो हमें झील सी आंखों में, हम भी देखेंगे कहां तक है रसाई अपनी। अल्लाह करे ये नौजवान हसन राय बरेलवी इसी तरह जवान रहे और इसी तरह आंखों में डूबते रहे और वहां से रोशनी का अक्स इनको मिलता रहे। हजरत एक शेर और, शायरी में हौसला बड़ी चीज हुआ करता है। हौसला अगर आप में है तो आप कामयाब होते हैं, अगर आप में हौसला ही नहीं होगा तो आप कब कामयाब होंगे। हसन भाई फरमाते हैं, खार राहों में बिछाते रहो कुछ खौफ नहीं। क्या कहने, खार राहों में बिछाते रहो कुछ खौफ नहीं, हम तो अंगारों पे भी हंस के गुजर जाते हैं। क्या कहने, वाह। ये हौसला होता है एक मुजाहिद का, एक शायर का। और आपको मालूम है इनका जो दूसरा मिसरा है, हम तो अंगारों पे भी हंस के गुजर जाते हैं, ये करबला तक हमें ले जाता है। अंगारे सिर्फ शोलों के ही नहीं होते बल्कि प्यास के अंगारे भी हुआ करते हैं, हौसलों के अंगारे भी हुआ करते हैं, गुफ्तगू के अंगारे भी हुआ करते हैं। लेकिन जनाब हसन राय बरेलवी ने इस एक लफ्ज़ से अपनी शायरी की अजमत में इजाफा किया है।
काबिले मुबारकबाद हैं। आगे फरमाते हैं, आती जाती रहती हैं काली रातें। वाह, आती जाती रहती हैं काली रातें, जुगनू अपना फर्ज निभाते रहते हैं। क्या कहने, बहुत अच्छा शेर हसन राय बरेलवी साहब ने कहा। और दो तीन मिनट और बोलना चाहता था, लेकिन मैं जानता हूं कि ज्यादा देर माइक पर गुफ्तगू करना अपनी इज्जत आबरू को खतरे में डालना है। मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहता, लेकिन हजरत आज का दौर, क्योंकि आम तौर पर नसर सुनने का मिजाज नहीं है, फिर भी आपने दो तीन मिनट नसर सुनी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अपनी इस गुफ्तगू को हसन भाई के चंद शेरों पर खत्म करके अपनी जगह लूंगा। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मोहब्बत से सुना। अहद का कर्ब समात फरमाए, हसन भाई फरमाते हैं, सच सर पे आपके है मगर ये बताइए। जस्टिस साहब एक शेर सुनिए हसन भाई का। वाह, छत सर पे आपके है मगर ये बताइए, वो जिसके सर पे छत ना हो आखिर कहाँ रहे। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा शेर हसन राय बरेलवी का है। मैं दिल की गहराइयों से हसन भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने पूरी जिंदगी अदब की तहरीक में, अदब के चिराग जलाने में रोशन की। सैकड़ों शागिर्द उनके हैं, ये उनकी खुशनसीबी नहीं बल्कि उन शागिर्दों की खुशनसीबी है कि उन्हें हसन राय बरेलवी जैसा उस्ताद मिला। मैं दिल की गहराइयों से हसन भाई को मुबारकबाद देता हूँ। परिंदे ही रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो परिंदे रहेंगे जो हमेशा मोहब्बत की बात करते रहेंगे। परिंदों के हवाले से हिंदुस्तान की मौजूदा सिचुएशन पर एक बहुत मशहूर शेर पढ़ के अपनी जगह ले रहा हूँ। और शेर से पहले ये सुन लीजिए कि इस मुल्क की जो हालत थी, जो फ़िरका परस्ती की हवाएं गर्म कर दी गई थी, उसी के दौरान ये हुआ कि एक जगह बहुत ज़्यादा आग लग रही थी, किसी तरह बुझना मुमकिन नहीं था। वहीं एक चिड़िया ऊपर से आती और पानी का एक कतरा उस आग पर डाल के चली जाती। लोग उसे कहते, उसके साथ ही परिंदे कहते, ऐ चिड़िया ये परिंदे ही रहेंगे की बात है। कहते थे कि ऐ चिड़िया इतनी ज़्यादा आग है तो इस पर एक एक चोंच, एक एक कतरा पानी डाल रही है, तो क्या तू उससे आग बुझा देगी। चिड़िया ने कहा, मुझे यकीन है कि मेरी एक कतरे पानी से, आंसू से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन तारीख मुझे उन लोगों में लिखेगी कि मैं चिराग जलाने वालों में शामिल थी, आग बुझाने वालों में शामिल थी, आग जलाने वालों में नहीं थी। दिल की गहराइयों से मैं हसन भाई को मुबारकबाद देता हूं। आप भरपूर तालियों से हसन भाई का इस्तकबाल कीजिए। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, ये अदबी महफिल सलामत रहे। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा गुफ्तगू के। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। उर्दू जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।